हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने क्लास टेस्ट मैथ्स का क्लास टेस्ट लेके आई हूँ, क्लास फर्स्ट का। ये क्लास टेस्ट 1 है। जैसा कि स्कूल अभी ओपन हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि जो अप्रैल और जुलाई में सिलेबस कंप्लीट किया गया है उसके बेस पे ये क्लास टेस्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से आता है, क्या पैटर्न आता है। अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो या घर पर प्रैक्टिस इस तरीके से करवा सकते हो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स में आया है वो डिक्टेशन। इस बार इनका 1s 10s 100 मींस अबेकस में जो था उस पैटर्न में आ चुका है। तो ये देखिए, जैसे 80 बोला है तो टीचर ने, तो बच्चे ने 8 10s 80 होगा ना, 8 10s और 0 1s इस तरीके से। 104 है तो 100 में आएगा 104। सिर्फ 7 है तो 1 digit 1s में रहता है 7। देन सेम 68 है तो इस तरीके से आप देख सकते हो, या प्रैक्टिस के लिए भी घर पे दे सकते हो। तो इस तरीके से आप बच्चों को, जो फर्स्ट है ये पैटर्न आया था। जो सेकंड क्वेश्चन का पैटर्न है वो ये देखिए, व्हाट कम्स। तो एक एक पार्ट पूछा है, बिफोर आफ्टर बिटवीन, इसी में उन्होंने कवर कर लिया है। आपके यहाँ काउंटिंग जहाँ तक कवर कर ली गई हो सकता है वहाँ तक आ जाए, तो आप प्रैक्टिस इस तरीके से भी करा सकते हो। तो आप देख सकते हो 48 से बिफोर 47, ये मेरे बेटे की शीट से, आफ्टर के बाद 50 से 51, बिटवीन 31 से 32, 33, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। फिर सेम क्वेश्चन, क्योंकि जो अप्रैल, इसमें सिलेबस अप्रैल का कवर है और अप्रैल में यूकेजी में ये बेसिक वाला होता है तो वो लिया गया है। ये जैसे जुलाई का सिलेबस है, ठीक है। फिर क्वेश्चन थर्ड आया है, पुट द करेक्ट साइन। तो देखिए 10 और 15 में से कौन सा ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है। सेम 36 और 63 में 63 ग्रेटर है। तो इस तरीके से अगेन, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर राइट इन असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। मैंने दोनों ही तरीके से इसमें प्रैक्टिस करवाई थी, तो आप देख सकते हो। तो 37 42 8 3 10 में 3 ऑब्वियसली छोटा है, देन 8 10 37 42 लिया गया है, ठीक है। फिर राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, या डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ग्रेटर नंबर लिखते हैं, मीन सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर सबसे छोटा लिखते हैं। तो 36 25 11 72 इस तरीके से पैटर्न ये जो है वो फॉलो किया गया है। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कैसे आया है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आप देख सकते हो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 46 में कितने टेंस हैं, 4 टेंस हैं, और कितने वंस हैं, 6 वंस हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लिखना है। सेम 38 में 3 टेंस हैं और 8 वंस हैं। तो इस तरीके से इसने कवर किया है। फिर राइट द नंबर, क्या नंबर होगा, आप सेम उसी में 8 वंस को क्या लिखते हैं, हम 8 लिखते हैं, और 5 टेंस और 9 वंस को हम क्या लिखेंगे, 59 लिखेंगे। जैसे मेरे बेटे ने यहाँ पे सिंपल 9 लिख दिया था, तो 59 लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये देखिए, काउंट द बीट्स ऑन द अबेकस एंड राइट द नंबर। तो बीट्स को हमें काउंट करना है और लिखना है। तो ये देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे 2 बीट्स हैं, मीन्स 20 होगा, क्योंकि ये टेंस में है, तो 20, और वंस में क्या है, 1 बीट है, तो क्या होगा, 21। सिमिलरली आप देख सकते हो अगेन इसमें, तो 1 2 3 4 40, और 1 2 3 3 वंस हैं, 4 टेंस है, तो 43। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट क्या दिया था इन्होंने, फॉर्म द नंबर बाय ड्रॉइंग बीट्स ऑन द एबाकस। इसमें हमें अब बीट्स ड्रॉ करने, तो जैसे 38, तो 30 टेंस होगा, तो देखिए 3, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8। 70 70, देखिए 0 वंस, बच्चों को हम इसी तरीके सिखाते हैं 0 वंस, तो यहाँ पे 7 होंगे, तो ये देखिए इसने 7 ड्रॉ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द नंबर नेम्स। तो देखिए 13 और 58 तक, इस वाले जो क्लास टेस्ट 1 जो हुए हैं, इसमें हमारा जो नंबर नेम्स है वो कवर किया गया है 150 तक। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ये सिंपल ही दिए हैं। फिर राइट इन फिगर्स 37, तो देखिए 37 को लिखा है 37, एंड देन 65 को 65। फिर टिक द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर इसमें क्या है, 21 32 58, कौन सा बिगेस्ट नंबर है, 58। सिमिलरली टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, 37 9 28, तो कौन सा टिक किया गया है, 9। इसी में देखिए इन्होंने क्या दे दिया है, राइट बैकवर्ड काउंटिंग। तो 52 50 150 बच्चे ने लिखा है, 49 48 47, वहीं मेरे दूसरे बेटे ने ये गलत कर दिया था, इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग लिख दी थी, तो ये हो जाता है। लास्टली आया है टेबल ऑफ 2, 2 और 3 का टेबल कराया गया है इस सिलेबस में, बट
पेपर में पूछा गया था टेबल ऑफ टू, तो आप देख सकते हैं सिंपल लिखा है 2 × 2 = 4, 6 × 8 = 10, 12 = 14, इस तरीके से। तो ये एक पैटर्न था जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। ये कुछ स्कूल में 30 मार्क्स का भी होता है, 50 मार्क्स का भी होता है, बट कुछ जगह ग्रेडिंग और स्टार्स के बेसिस में भी होता है। तो आप के यहाँ जैसा भी होता हो, बस पैटर्न यही रहता है, आप ऐसे प्रैक्टिस करा सकते हो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।